नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हमारे साथ बघेली के एक उभरते हुए कलाकार, बघेली लोक गायक शैलेंद्र आज़ाद हैं। शैलेंद्र आज़ाद के सफ़र के बारे में, उनके संगीत के बारे में, उनके स्वर से आपको रूबरू कराने वाले हैं आज हम। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं हम आपका द खबरदार न्यूज पर। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। और सबसे पहला हमारा सवाल आपकी संगीत यात्रा से जुड़ा हुआ ही है। जी जी। जब व्यक्ति कोई भी कार्य से प्रेरित होता है, कोई भी कार्य करता है, जी जी, तो उसके अंदर कोई ना कोई प्रेरणा किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है। जी। आखिर कौन सा ऐसा कारण था जहाँ से आपको संगीत की प्रेरणा मिली? मेरे पापा जी से। जी। मेरे पापा का पहले से शौक था सिंगिंग में, तो मतलब ऐसे थोड़ा बहुत गाते थे। जी। फिर जब मैं स्कूल लाइफ में आया जी, तो मेरे पापा खुद अपने से गाना लिखकर मेरे से गवाने की कोशिश किया करते थे। फिर मैं स्कूल में परफॉर्म किया करता था जी। फिर धीरे 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 एक अलग टर्निंग पॉइंट आ गई जी। फिर जब स्कूल से कॉलेज में आया जी, फिर कलाकारी के मतलब धीरे धीरे अंदर से कलाकारी आता ही गया जी। जी। और जैसा कि मुझे आपके बारे में जो जानकारी है उसके अनुसार आप बॉम्बे में रहते हैं। जी जी, मैं बॉम्बे में रहता हूँ। बॉम्बे का आपके संगीत यात्रा में क्या असर पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा? बॉम्बे में मुझे बहुत अच्छा लगता था जी। मेरी जब बॉम्बे गया जी, तो यहाँ तो सिंगिंग करता था लेकिन मेरे समझ में नहीं आता था कि यार मतलब कुछ ऐसा काम किया जाए कि थोड़ा सा डिफरेंट जी। फिर जब वहाँ गया तो फिर कुछ अलग करने की कोशिश किया जी। और जो संगीतकार वहाँ के लोग थे जी, और मेरे दोस्त वगैरह जो थे संगीत से रिलेटेड जी, तो उनका एक स्टूडियो था, तो फिर हम वहाँ रहा करते थे उन लोगों के साथ। फिर उनसे मैं कुछ सारी चीज़ें संगीत की कुछ सीखी जी। बस यही था। बॉम्बे में आपकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई? बॉम्बे में मेरा MCA हुआ है और BCA यहीं रीवा से हुआ है, मॉडल साइंस की। और लगातार संगीत की यात्रा चल रही। जो पहला गीत है, जो पहली बार आपने गाना गाया, वो लगभग किस उम्र में गाया था आपने? मैं जब MCA कर रहा था उसी टाइम मैंने गाया था बॉम्बे में, लगभग 2018-19 के दौरान। 19 में जी। वो गाना अगर आप सुनाना चाहें तो सुना दूंगा सर। जी बिल्कुल। वो गाना था पुलिया में इंतजार करी थे बघेली में। हाँ, प्यार करी थे हो हम इकरार करी थे, हाँ हाँ, प्यार करी थे हो हम इकरार करी थे, रोज पुलिया में तुहार इंतजार करी थे, आबा हूँ मैडम मलाई आ तुहा का हम बताई, आ गाँव गमई में फैशन दिखाओ बे जल्दी से मगिया खटाई, कितना तू करिहा लड़ाई बघेली न समझ मन आई, अरे रीबा में चला ट्यूशन पढ़ा के तुहका बघेली सिखाई। यही गाना मतलब बघेली से रिलेट करता हुआ जो बघेली थे उसको आपने अपने गाने में भी जी। इस गाने को लिखा किसने था? ये हमारे एक फ्रेंड है संजय वर्मा जी, उन्होंने ये गाना लिखे थे जी। और मेरे से हंसी मजाक में बोले कि आज़ाद भाई यार एक गाना मैं लिखा हूँ, इसको गा दो आप जी। तो हमने कहा यार चलो ठीक है ट्राई करता हूँ। फिर दिल पे आया, अचानक मैंने वहाँ बात किया, बोला यार एक गाना मेरा बघेली में। वो बोले कि यार बघेली में, तो हमने कहा आपको सिर्फ गाना रिकॉर्डिंग करने से मतलब है, हमारी भाषा जो है जी, म्यूजिक सिर्फ कंपोज हाँ, करना है आपको आपको, और जो मेरा काम है मैं गा रहा हूँ ना, आपको कोई दिक्कत नहीं जी। वो तो मेरे चैनल से टेलीकास्ट हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हमने वो गाना रिकॉर्ड करके चैनल पे डाला जी। फिर हो गया, व्यूवर्स अच्छे आए जी। और हमारे बिंद की ऑडियंस जो मतलब जानते थे पहले, तो फिर धीरे 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 वो गाने पसंद करने लगे जी। फिर उससे मेरा नाम थोड़ा सा ठीक ठाक आने लगा जी। और इसके अलावा जैसे हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी का एक बेहतर स्कोप दिखाई देता है जी जी जी। एक बड़े स्तर पर बम्बई में आप रहते हैं, फिल्म सिटी के नाम से जानी जाती है जी जी। और बॉलीवुड की लगभग जितनी फिल्में हैं तो बॉम्बे से रिलेट करती हैं जी जी। फिर बघेली की तरफ जाने का जो रुख हुआ वो कैसे? वो बात वहाँ पर आ गई जी। मैंने वहाँ जब स्ट्रगल कर रहा था जी, तो मेरे को कोई मतलब हिंदी गाना मैंने गाया जी, तो उसका कोई रिस्पांस ज़्यादा नहीं मिला जी। 5,000 व्यूअर्स आया एक महीने में। फिर हमने कहा यार कुछ ऐसा काम किया जाए जी कि अलग, तो मेरे अचानक
जब फ्रेंड का फ़ोन आ गया, संजय भैया का, रीबा के हैं वो, तो मेरे को फ़ोन किए, बोले आजाद भाई गाना गाइए। फिर जब वो गाना गाया मैं, तो मेरा उससे ज़्यादा एक गुना क्या चार गुना मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला। फिर हमने कहा नहीं नहीं अब मुझे बघेली में काम करना है तो करना है, और लगातार करना है और करना ही, जब तक मेरी लाइफ है तब तक हम अब बघेली ही गाएंगे। लगभग अब तक कितने गाने आपके द्वारा गाए जा चुके हैं? मेरे गाने 30 प्लस पार हो चुके हैं जी, जो सारे आपके चैनल से ही हैं। कुछ मेरे चैनल से हैं जी, और कुछ गाने दूसरों के चैनल पे, मतलब जो बघेलखंड के कलाकार लोग हैं डिमांड करते हैं कि आजाद भाई आपके गाना चाहिए जी, तो उनको दे देता हूँ जी। एक गाना दीपक पटेल चैनल से यहाँ रीवा से हुआ था, बिंदास जी जी जी, उसको आपने लिखा था शायद? मैंने नहीं लिखा था जी, संजय वर्मा जी ने ही लिखे थे गाना। आपने गाया था उसे? मैंने गाना गाया था, तो कंपोजिशन मैंने ही किया था। उसकी कुछ पंक्तियां हम सुनना चाहेंगे उसके? जरूर सुनाएंगे जी, बिल्कुल। देखन जब से तोहका नींद नहीं आबे, आ दिले होइगा भाई कल बस तुम्हारे काई भागे, का बताई तुम्हारे माऊ का लगाई नी, का बताई तुम्हारे माऊ का लगाई नी, माँ कसम भगवान कसम दिनदास बनाई नहीं, माँ कसम भगवान कसम दिनदास बनाई नहीं हो जानो। ये गाना ये पिछले दिनों काफी धूम मचा चुका है, हाँ हाँ, बिंद में बघेली में 50,000 प्लस पार हो चुका है जी जी। और एक अच्छे चैनल से दीपक पटेल रीवा चैनल से जो थे ये हुआ जी, और जी। ऐसे और कौन से गाने थे जिन्होंने दर्शकों का काफ़ी मनमोहा? एक और गाना था थोड़ा मेरा, होइगा हमका प्यार रीवा वाली से जी, वो गाना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था जी। वो गाना ऐसा था, हरे ओ खर कमर कटीली आँख नसीली मस्त जवनिया वाली से, होइगा हमका प्यार रीवा वाली से, हरी आँखी त चमक ट्यूबलाइट जैसन बदन बखर अंगूरी रे, आ कपड़ा त पहने स्टाइल वाला अपने का समझ हीरोइन रे, हरे अखर मस्त जवानी करंट मारा थी नथुनिया वाली से, होइगा हमका प्यार रीवा वाली से जी। जो आपके गाने हैं, जो बघेली है एक लोक भाषा है, लोक साहित्य इस पे लिखा जाता जी है, लोक गीत गाए जाते हैं जी जी, और आज हर तरफ जो है तो एक लोकल और ग्लोबल का दौर चल रहा है, हर लोकल चीज़ को ग्लोबल बनाने का एक प्रयास चल रहा है। हमारी थिंकिंग क्या रहती है सर जी? कि हमें मतलब जैसे अपनी लोक गीत है जी, तो उसको मैं नए वर्जन में लाना चाहता हूँ। अब भोजपुरी को देख लीजिए जी, भोजपुरी में कितना मतलब हाईलाइट ट्रेंड में आ गया जी, मतलब बहुत से डिफरेंट लाए कलाकार। मेरा यही सवाल आपसे पूछना था मुझे कि जैसे भोजपुरी की आपने बात की जी जी, हम लोकल को एक ग्लोबल तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जी हर जी कोई जी कोशिश कर रहा है, आप भी कोशिश जी कर जी रहे जी हैं, लेकिन जब भोजपुरी की बात आती है तो भोजपुरी एक अश्लील गीतों का भी जो है तो भंडार बन चुका है। हाँ, ये तो अभी पिछले ही दिनों खेसारी लाल से जुड़ा हुआ मुद्दा पैदा हुआ जी जी जी, अश्लीलता को लेकर के मुद्दे उठाए जाते रहे हैं, और एक ऐसी भाषा, एक ऐसी भाषा में जो गीत होते हैं जो लोक भाषा से रिलेट करता है, जब वहाँ पे अश्लीलता समाहित हो जाती है तो निश्चित तौर पर वो परिवार के साथ सुनने लायक नहीं बचती है। बात ये तो होती है, भाषा में किसी भी लोक भाषा में अश्लीलता होना कितना खतरनाक मानते हैं आप? ये तो मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ सर जी, बट ये है जी कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखा है जी कि शब्द बुरे नहीं होते, इंसान बुरे होते हैं जी, उसका कुछ भी शब्द उसका अलग मीनिंग निकलता है जी, लेकिन लोगों के अंदर मतलब नेगेटिव थिंकिंग, अब क्या कह सकते हैं जी, आज दुनिया इतना आगे हो चुकी है जी कि मतलब पॉजिटिव चीज, आज हम कुछ भी नया काम करेंगे तो उसमें से बहुत सारी कुछ पॉजिटिव लोग ज़्यादा नहीं मिलेंगे जी, हैं आपको सपोर्ट करने वाले, मतलब कहने की बात है मतलब अवहेलना करेंगे, अरे यार क्या यार फालतू सब सारी चीज़ें हैं, तो मेरा जहाँ तक मानना है, बाकी मेरा कहना मुझे बघेली पर फोकस है, बाकी जो भी है कर रहा हूँ सिर्फ बघेली के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि बघेली के लिए आप कर रहे हैं, सवाल इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब अश्लील भविष्य में बघेली को अश्लीलता की तरफ तो ढकेलने की कोशिश नहीं करेंगे? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, हम
और राइटर जो हमारे राइटर लोग लिखेंगे गाने अच्छे अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे, हम अच्छा गाना गाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि एक कलाकार जो होता है उसे समाज सीखता है जी, जी और समाज को एक वो प्रदर्शन करता है, पथ प्रदर्शन करता है, एक आईने के तरीके से जो चीज़ें होती हैं समाज को दिखाने की कोशिश करता है जी, जी जी। ऐसे में अगर हमारे गीतों के द्वारा से, हमारे लोकगीतों के द्वारा से ऐसी भाषा शैली बाहर निकल करके आती है जो परिवार के साथ सुनने लायक ना हो, तो निश्चित तौर पे हमारे समाज के लिए, भविष्य के लिए खतरनाक हो ही तो सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा नहीं, नहीं, मानना नहीं है। होगी हमारे यहाँ कोशिश है, हम अपनी बात कर रहे हैं जी, कि ऐसा नहीं होगा। और कुछ नए जमाने के साथ जी आज जो हमारी यूथ डिमांड करती उस हिसाब से मेरे गाने आने लगे, मतलब कोशिश करता हूँ कि गाने लाऊँ जी। और बाकी यही है अपना कि जो ऑडियंस ज़्यादा मेरे क्या ना गाने यूथ ज़्यादा सुनते हैं मेरे गानों को, तो यूथ के हिसाब से मेरे गाने आया करते हैं जब मार्केट और में। अगर आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, परिवार की बात करें, तो परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। पर्सनल हाँ, आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। मेरे मम्मी पापा और भाई और मैं जी सब वहीं बॉम्बे में रहते हैं। हाँ बॉम्बे में। आपका गृह ग्राम रीवा में कहाँ से रिलेट करते हैं? मैं सतना से हूँ, रीवा में हो गया रहता हूँ। मेरे फ्रेंड ज़्यादा रीवा में रहते हैं तो मैं फ्रेंडों के साथ रीवा में ही रहता हूँ जी, बाकी मैं सतना का ही हूँ जी। कैसा रहा अभी तक का जो स्ट्रगल आपने किया? कोई भी कला के क्षेत्र में जब आप जाते हैं जी तो संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, और आपका शायद अभी संघर्षों का ही दौर चल रहा है। अभी तो स्ट्रगल ही चल रहा था जी। तो कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुँचे, कितनी संतुष्टि होती है अभी अब तक? हो गया, पब्लिक पसंद करने लगी तो मुझे लग रहा कि अब पब्लिक मुझे जिम्मेदारी दे रही है जी, कि आज़ाद तू कलाकार हंसाता है जी, और तेरी आवाज़ से मुझे कुछ सुकून भी मिलता है और आनंद भी आता है जी। तो वो जो हमें ऑडियंस देख रही है, सुन रही है, तो उन्होंने मेरे को एक अपनी जिम्मेदारी दे दी है जी, कि नहीं बिल्कुल कि तू हंसाएगा मेरे को, तो उसके उनको हंसाने के लिए, मनोरंजन कराने के लिए जी हम और हमारी टीम कोशिश करती है कि नई नई चीज़ें, नई नई एक्टिविटी गानों पे और वीडियो में लाऊं, बस यही है। और ये चलता रहे ऐसे, और ये चलता ही रहेगा। मंचों के माध्यम से भी शो वगैरह भी आप करते हैं? मेरा स्टेज प्रोग्राम चलता जी है, बघेली म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है मेरा जी, तो मैं और मेरे जो फ्रेंड वगैरह सब लोग मिलके काम करते हैं, मेरा एक ग्रुप है, तो हम सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाया करता हूँ, किसी के यहाँ शादी, जन्मदिन, बर्थडे बर्थडे जी, और कोई भी कार्यक्रम, बरहाँ, तिलक, कोई भी फंक्शन में हमें बुलाते हैं जी। कभी कभी ऐसा भी, आज के डेट में ऐसा है कि हम डांस भी करता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं केसरिया के यहाँ बघेली में केसरिया के स्टाइल में करता है जी। तो लोकल में बुला लेते हैं कि अरे आज़ाद हमारे यहाँ आज़ाद होकर डांस कर लिया कह दिया, तो क्या डांस कर देते हैं, अकेले ही चला जाया करता हूँ जी, ऐसा है। मतलब लोगों का मनोरंजन होना चाहिए यथा संभव जो कोशिश होती है, तो अगर उनको पता चल गया कि आज़ाद गांव में है इस समय जी, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, अगर उनको पता चला कि आज़ाद इस आया है और उनके यहाँ फंक्शन है, तो डायरेक्ट मेरे को फ़ोन करेंगे कि आज़ाद भाई को बुला लो यार, थोड़ा सा उसका डांस देखना है जी, तो चला जाता हूँ। और गीत भी गा करके जो आनंदित करते रहते हैं लोगों को। और कहाँ तक पहुँचे हैं आप, कितना लंबा सफ़र भी होगा क्या लगता है? अभी तो बहुत सफ़र बाकी है, कारवा तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, शुरुआत हुई है अभी। हाँ तो अभी सफ़र जारी है। और इसके संगीत के साथ वर्तमान में आपकी पढ़ाई लिखाई या कार्य क्षेत्र क्या है, कहाँ कार्य करते हैं? मेरी पढ़ाई अब स्टॉप हो चुकी है जी, अब हो गया, अभी कुछ नया प्रोजेक्ट के लिए सोचा नहीं हूँ कि क्या होगा, सिर्फ ये पब्लिक जिम्मेदारी तो दे दी है, लेकिन इसी में अब ज़्यादा काम करना है, मेहनत करनी है और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट फिल्म्स आप जो है तो बना रहे हैं, हाँ शॉर्ट फिल्म के बारे में कुछ बताएं। हाँ अभी मेरी शॉर्ट फिल्म बन रही है, इश्क का जुनून जी, बघेली में है, तो उसमें एक गरीब है जी, लड़का है जी, और अमीर ख़ानदान के वो लोग हैं जी, लड़की जो है जी, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा यही पारिवारिक फिल्म है जी, फिर जब आएगी तो पब्लिक तो देखेगी, मेरे ही चैनल पे रहेगी, बाकी सारी चीज़ें तो सीक्रेट है। हाँ हाँ। आपका चैनल किस नाम से है? शैलेंद्र आज़ाद रीवा मेरा यूट्यूब चैनल है जी।
वहाँ से आपके गाने हमारे वीडियो जा करके सुन सकते हैं। जी जी, गाने वीडियो और मेरी कॉमेडी आया करती है, हर तीसरे दिन आया करती है मेरी कॉमेडी। किस किस दिन आती है हमारे दर्शकों को बता दें आप? कोई डेट कंफर्म नहीं है, सॉरी दिन कंफर्म नहीं है, हफ्ते में 2 से 3 वीडियो आना तो है। जाते जाते कोई एक गीत हमारे दर्शकों को जो आप सुनाना एक चाहिए? मेरा गाना आया था, यूथ लोग बहुत पसंद किए थे जी। और जवाने के साथ हमने ऐसे संजय वर्मा जी ही लिखे थे वो गाना। आपके अधिकतर गाने संजय वर्मा जी ने ही लिखे थे, उन्हीं की वजह से गाने फेमस हुए और उन्हीं की वजह से मुझे नाम मिला जी। अब इस समय सुमन बेदर्दी जी मेरे गाने लिख रहे हैं जी। एक अपने रीवा से ही हैं जी, और मेरे पूरी टीम सहयोग कर ही रही है जी। गाना बिल्कुल सुनाऊं जी, वो गाना है सोनू भैया ने एक गाना लिए थे वो मेरा गाना, वो गाना था छोड़ा रानी छोड़ा पूरन बिन कजाए दिया बया है न तुम हमका पटाला आ तुहार लपक झपक जौनिया चाल है लगत हमारे कमाल है अके सारी जैसन जौनिया चाल है लगत तुहारे कमाल है। ये गाना लोक गीतों से थोड़ा सा इसका जो स्वर है जो इसकी धुन है वो बघेली लोक गीतों से मिल करके जो है एक नए स्वर पे ले जाने की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है। तो मतलब जैसे लोकगीत हैं, लोकगीत को आदमी थोड़ा सा डाइवर्ट करता है, कंपोजिशन करता है नए स्टाइल में, उसका ट्रैक वगैरह जब आदमी बनाता है तो थोड़ा सा उसको मतलब यूनिक टाइप में मतलब लाता है, मॉडर्न म्यूजिक के साथ फ्यूजन करने की कोशिश कर रहे हैं कंपोजिंग में जी। और कुछ हमारे दर्शकों से आप कहना चाहें विशेष तौर पर? हम यही कहना चाहते हैं कि जितने भी बघेलखंड में जी हमारे और आप सभी के भाई बहन जी कार्य कर रहे हैं जी, सभी कलाकारों का सहयोग करें जी और सबको आशीर्वाद बनाए रखें जी और सपोर्ट करें सभी को जी। और हमारी जो मीडिया देख रही है जी, तो उनका भी एक दायित्व होता है कि हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं जी, तो हम लोगों को सपोर्ट करें जी, उन्हीं के लिए आप मेहनत कर रहे हैं तो वो भी सहयोग तो भी थोड़ा सा हम लोगों को सहयोग करें जी, और पब्लिसिटी बनाने की कोशिश करें ताकि हम लोग कुछ और हमारी आवाज़ और अपने बिंद की आवाज़ अपनी बघेली भाषा को विश्व पटल पर स्थापित करें, स्टेट लेवल में नहीं पूरे विश्व लेवल में विश्व पटल पर स्थापित करने कोशिश करें जी। आपने बात की, हमसे अपना समय दिया, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र आज़ाद जी, लगभग 2-3 वर्षों पूर्व इनका बघेली से जुड़ा हुआ सफ़र शुरू हुआ और बघेली के दर्शकों के द्वारा इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। कई सारे गाने हैं जो रीवा से, जो बिंध के बड़े YouTube चैनल्स माने जाते हैं वहाँ से रिलीज हुए हैं और अनवरत ये बघेली की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं बघेली लोक गीतों को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की जद्दोजहद में लग गए हैं। शैलेंद्र आज़ाद जी जैसे हज़ारों कलाकार अपने बिंध में रहते हैं जो अपनी बोली को प्रमोट करने का प्रयास करते हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं शैलेंद्र आज़ाद रीवा का जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और ऐसे कलाकारों को प्रमोट करें, ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहित करें ताकि अपनी जो लोकगीतों की भाषा है, जो अपनी लोक भाषा है वो विश्व पटल पर स्थापित हो सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बोलनी है सर जी, अपने बिंद में जितने भी कलाकार मतलब गायक बनना चाहते हैं जी और म्यूजिक बनवाना चाहते हैं जी, कुछ भी म्यूजिक से रिलेटेड कार्य हो जी, तो हम उनका सहयोग करेंगे जी, उनका भाई उनके काम के लिए जी तहे दिल से मेहनत करेगा जी, यथासंभव जो भी कोशिश है वो करेंगे। कोई भी गाना लिखवाना चाहता है, कोई गाना गवाना चाहता है या कि कोई म्यूजिक ट्रैक बनवाना चाहता है, म्यूजिक से कोई भी रिलेटेड वर्क हो हम काम करेंगे जी और करते हैं जी। ये बघेली के लिए आपके द्वारा किया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगा और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा यूट्यूब चैनल लिंक नीचे मिल ही जाएगा आपके चैनल से जी। तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र जी जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ अपने सुमधुर स्वरों के साथ आपसे रूबरू होने की कोशिश की। बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।
धन्यवाद।